जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सिफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल और टेक्नोलॉजी चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार राज्य को 5 न्यू एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दे दी गई है। दोस्तों, बिहार राज्य के 38 जिलों से होकर गुजरेंगे ये एक्सप्रेसवे। और केंद्र सरकार ने अभी अभी एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उस एक्सप्रेसवे का नाम है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये जो एक्सप्रेसवे है, इन एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इन एक्सप्रेसवे को ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है और आगे होगा, और कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल किए गए हैं, और कौन कौन से जिले में इंडस्ट्री डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके निकट जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, बिहार सरकार इसके निकट जो है NHI या यूपीटे उद्योग डेवलपमेंट करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन एक्सप्रेसवे को 8 लेन में तब्दील किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे की, जो कि 271 किलोमीटर बनेगा, और इसमें जो जिले शामिल किए गए हैं औरंगाबाद, जहानाबाद और वैशाली और समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, ये 8 जिले हैं जो शामिल किए गए हैं। उसके बाद है रतजोली हल्दिया एक्सप्रेसवे, जो कि 695 किलोमीटर बनाया जाएगा। दोस्तों, रक्सौली एक्सप्रेसवे जो है, ये एक्सप्रेसवे कौन कौन से जिले से होकर गुजरेगा? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा और जमयू और बारंका, ये वो जिले हैं जिनसे ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। उसके बाद है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे 350 किलोमीटर होकर गुजरेगा, और गंगा के जितने भी फ्लाई ओवर है उनको ये आपस में कनेक्ट करेगा। उसके बाद है आपका पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, बख्तियारपुर, नालंदा, बिहार शरीफ, शेखपुरा और जमाई, सिकंदरपुर और चकाई, ये वो जिले हैं जिनसे ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिहार राज्य को डेवलपमेंट करने के लिए ये रूट मैप तैयार कर दिया गया है। बिहार राज्य को 5 एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी गई है और बहुत जल्द इन एक्सप्रेसवे का निर्माण खत्म कर ये एक बिहार राज्य को एक स्मार्ट राज्य में तब्दील कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर इस न्यूज में कोई गलती हो गई है या पढ़ने में या बताने में, तो आप हमें बेझिझक होकर आप हमें बता सकते हैं, या आपको कोई जानकारी देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत